तो भाई ये है डे थ्री, ऑल सेट। यस। और आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम ये लेक साइड होटल में रुके हैं। हाउस बोट जैसा एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कश्मीर आते हो तो हाउस बोट में रुकना या ये लेक साइड होटल में रुकना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। सोचना भी मत, सीधा भाई हिसाब ले लेना। ये देखो लकड़ी, जहाँ भी चलते हो लकड़ी का बना हुआ है यहाँ सब कुछ। आराम से चला करो, वैसे मैं रिस्क रहता है थोड़ा, पर मज़ा आता है। गाइज ये देखो मॉर्निंग व्यू यहाँ से, कितनी सारी शिकारा चल रही है यार। वो डक भी है। ओए डकी, ठीक है। कल सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया मेरा। ओए यहाँ पे छोटे बच्चे देख रहे हो। ओए ब्यूटीफुल, और मुड़ के भी देख रही थी। देख रही थी मुड़ के? मुड़ के देखा उसने मुझे। अच्छा, फिर प्यार हो गया? हाँ, बुला रही थी वो मेरे को। अच्छा, ट्राई करो, चलिए। भाई आपको देख के डर गई वो, भाग गई। मुझे पता ना मेरा ब्रेकफास्ट है वो, तभी तो उसने खा जाएगा। ये मैनुअल वाली शिकार है, वो मोटर बोट वाली, उसमें मोटर लगी हुई है, मस्त चलाओ। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, क्या बोलती हो? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ भाई, ये है वाओ। पोज कर। ओए देखिए, मोटा गेंद लग रहा है पूरा। जैकेट और इसने ऐसी डाल ली है, ऐसी डाल ली है। दैट्स अ डीजल 28,000 जैकेट। 28,000? This jacket costs rupees 20,000. Are you serious? Yeah, I'm serious. किसको पागल बना रहे हैं? Guys, this is the best part of my day. रोज सुबह शिकार है मैं। ऐसे लेटा पड़ा रहता है। लेटा रहूँ। आज शिकार राइड थोड़ी छोटी है क्योंकि रोड पास में ही थी ना। ड्राइवर वेट कर रहा है। पहले जो हमारा हाउस बोट था वो यहाँ से पूरा घूम के उस साइड था, बैक साइड, लेकिन अभी फ्रंट में है। हाँ, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि शिकार रेड कितनी लंबी है। तो हाँ, दूर था तो शिकार रेड लंबी थी। हाँ, ये वाला पास है। तो वो चीज़ हमने अच्छी करी थी। तो रात को इसमें सोने को मिल जाए ना। हाँ, रजाई मिल जाए। ठंड में ऐसी तैसी हो जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे के आसपास मैं अंटार्कटिका में नंगा रहा था 3 दिन। बताई थी स्टोरी पोलर बियर के साथ? हो रहे भैया, हो रहे। लेट्स गो, लेट्स गो। जैसे हम कल सोनमर्ग में थे, वहाँ पे ना थोड़ा बैरन ग्राउंड थे, राइट, ब्राउन था वहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना ग्रीन, ऐसा लग रहा था लिटरली हम स्विट्जरलैंड में। बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। और शूज ले लिए, और शूज भी ले लिए हमने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ मिलने वाली है। और बोल रहे थे कि बहुत ठंडा होने वाला है यहाँ पे, पर देखते हैं। हमने जैकेट्स नहीं लिए, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि मोहित ने बोला मैं अपनी जैकेट दे दूंगा। और मैं लूंगी यार, मुझे ठंड लगी तो। ठीक है, ले लेना भैया, हमें फटाफट बुला रहे क्योंकि हमारे घोड़े हो गए, ये रास्ता घोड़े से ही कवर हो सकता है। अरे भाई साहब, आगे आ जाओ थोड़ा, रखो लेफ्ट वाला पांव, भैया आ जाओ, ये पकड़ो भैया, आप एक सेकंड, 3 घुमाओ पांव, यस, पहले नहीं बैठे हो कभी घोड़े पर? बैठी हूँ। ये पकड़ो और जंप मारना है, 1 2 3 हो गया। ये घोड़ा घोड़े के ऊपर बैठ चुका है। टिकट कितने बजे है? 1:30 बजे की। हमारे घर मजा आ रहा है। हाँ, वैसे तो मुझे आपके ऊपर बैठना चाहिए ना, बुरा लग रहा है। गुल्लू तेरा घोड़ा आवाज कर रहा है। अरे आपके घोड़े ने हक दिया। सही है। आपके बारी।
भाई मैं तो हल्की हूँ। भाई व्यू देखो यार, ये हो गया गुलमर्ग का व्यू पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया व्यू पॉइंट ये, ठीक है ठीक है, जगह याद रखनी। ये है गुलमर्ग का व्यू पॉइंट, भैया ने बताया कि यहाँ से कश्मीर का पूरा व्यू दिखता है। भैया दिखा दो एक बार, कश्मीर का नहीं गुलमर्ग, सॉरी गुलमर्ग का व्यू दिखता है पूरा, पूरा गुलमर्ग का व्यू पॉइंट है, ठीक है। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। आपको लगता है हम चल के जा पाते? नहीं ना, क्योंकि दूर बहुत है। हाँ दूर है भाई, टाइम का कंस्ट्रेंट भी तो है। हाँ टाइम कंस्ट्रेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे ना स्लॉट दिए गए होते हैं, जो हमारी ट्रोली है, क्या कहते हैं उसे, केबल कार जो पॉड मिला है हमें, तो अगर लेट हो गए ना वहाँ के लिए तो मतलब हमारा टाइम गया और पैसे भी गए, तो सही करा हमने। 2000 की टिकट ली है? हाँ 2000 से ज़्यादा की है ना, सॉरी तीन सवा तीन हज़ार की टिकट है। आप मत बोलो ज़्यादा, तो भग जाएगा। गाइज अभी हमने एक स्टॉप लिया, घोड़े से हमें उतारा, ठीक है, क्योंकि बीच में साइट सीइंग भी कर रहे हैं हम, तो ये है महाराजा पैलेस, ठीक है। भैया ने कहा फटाफट देख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर है। हाँ चल। ये है मेरा पैलेस, स्वागत है आपका, बैठिए मेरे सोफे पे। मैं बाहर करूँगा सिक्योरिटी गार्ड को लाऊं। भाई सिटी पैलेस इज यूजुअली जो पुराने टाइम के पैलेस थे, है ना। हाँ ये तो बहुत बेसिक लग रहा है, घर वाला ही सोफा है तो। हाँ अभी ये तो इन लोगों ने डाले होंगे ना नए, थोड़ा इसको अच्छे से बनाने के लिए न्यू। जयपुर वगैरह के सिटी पैलेस में तलवारें होती हैं भाई, ये तो बहुत ही एवरेज जगह है, ये समझ में बड़ा घर है। हमने इसके एक बंदे के 40 रुपये 40 रुपये एंट्री दी है हमने, 80 रुपये अभी तक तो भाई मत आना यहाँ पे, ठीक है, रास्ते में आपको रोकेंगे गुलमर्ग के। अभी तक कुछ खास नहीं है, पता है अमीर लोगों के घरों में होती है ये, पहली इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है चिमनी। अरे यहाँ पे वो हाथ से इतना, वही तो अमीर लोगों के घर में होती है ना। हाँ मेरे घर में थी ये पहले, झूठा थी, सच में थी मेरे घर में चिमनी। आप क्या करते हैं बताना, हम ये ठंडे आते थे ना हाथ से निकले मेरे वो पहाड़ वाले घर पे, थी हमारे यहाँ, दैट्स नॉर्मल सीन फॉर अस। आपके घर में तो वो था ना चूल्हे, चूल्हा जलाते थे वहाँ से, हाथ सेकते थे वहाँ से, हाथ सेकते थे मिट्टी का चूल्हा, ऐसे बीच में पॉट जैसा होता है वो होता है। आप चूल्हे की रोटी भी खाते थे? मुझे चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी होती है। अब तो हम बोल रहे हो कि मैं तो बहुत, तो हम वो टेस्ट के लिए खाते थे, तुम्हारी तो मजबूरी थी, हम टेस्ट के लिए खाते थे भाई, फर्क है। गाइस देखो पुराने जमाने में राजा महाराजा यहाँ पे एसी में ही रहते थे, और जो ठंड यहाँ पे इतनी है 0 डिग्री तक जाता है, ये चौड़ थी भाई। गाइस डोंट टच फाइल, 200 रुपये जा करके यू टच। गाइस ये राजा का बिस्तर था। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो, यहाँ पे राजा मतलब सीन मतलब। गाइस एक और राजा का बेडरूम है यहाँ पे, तो सीन के लिए दूसरी जगह थी राजा का, चिमनी भी है यहाँ पे। तलवार वगैरह की बात भाई, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, ये सबसे इंटरेस्टिंग रूम है यहाँ का, ये बंदूकें थी, ठीक है, ये वाली मैंने चलाई भी है, मैंने सारी चलाई थी। ये रहा हेलमेट, तलवार, ये भी परसों ही रखे गए हुए हैं, वो शील्ड, आम शील्ड, बड़ी तलवार, बड़ी तलवार, जंग लग गई यानी पुरानी। प्लीज डोंट टच फाइल, 200। ये क्या है यार, जीटीए गुलमर्ग क्या है? जीडीए गुलमर्ग गेम है ना, यहाँ पे लोग खेलते हैं, यहाँ पे रियल लाइफ में जीडीए होता है, सेम है। ये क्या है, अरे चूतिया बच्चा है, देख लो हर रूम में एसी है भाई, बड़ा अय्याश राजा था। हाँ नया ही लग रहा है, इतने नहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे रह रहा है, अभी रात को आता होगा यहाँ, पैसे कमाने का कुछ दिन कमाया सबसे, 40-40 रुपये लिए फिर यहाँ रात को आके मजा आ रहा है। गाइस वैसे जोक्स अपार्ट, इतने बड़े महल में अगर आप रह रहे हो ना भाई, मतलब ये होती होगी भाई जन्नत लाइफ। आई थिंक आप इंडिया में, जैसे दिल्ली में अगर आप मिलियनेयर भी हो तो इतना बड़ा घर तो हो ही नहीं सकता किसी का, राजा का ही होगा ना, कितने साल पुराना मुझे नहीं पता, हिस्ट्री मुझे नहीं पता, 90s लिखा हुआ था भाई, और रानियाँ 2-3 से कम तो बात नहीं करी होगी इसने, ठीक है। मैं होता ना मिनिमम 5 रानियाँ होती क्यों,
भाई अय्याशी लाइफ है, सर्वेंट है, बस ये है कि फिर लड़ाई वड़ाई लड़नी पड़ेगी, जीतना पड़ेगा, हार गए तो खत्म लाइफ, यही सीधा खत्म। ये जितनी भी लग्जूरियस लाइफ थी ना सारी एक चुटकियों में खत्म। तभी तो तलवारें वलवारें थी ना मेरी, मारता था लोगों ये यहाँ पर ही लिखा प्लीज डोंट टच, खोल के देख सकते हैं? नहीं ये सब कुछ भाई सोचो आपने खोल के देखा, अंदर से वो निकला कंजूरिंग वाला भूत। हाँ अच्छा आपको ही खाएगा, जो आपने बात करी ना पांच रानियों की वो सुनकर आपको डकार जाएगा एक ही बारी में। क्या पता इस जगह की वो हिस्ट्री हो, एक रानी यहीं पे दफन हो, ऐसा कुछ है, रात को भूत आता हो सकता है। आप रह सकते हो अकेले रात को? नहीं बहुत बड़ा है, फट जाएगी भाई, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। ये पूरा जो उनका वो था ना सिपाही वाले सब बैठ के यहाँ पे वो करते थे भोजन, पर सिपाही में भी राजा ने कमी नहीं करी, एसी सबको दिया है। हाँ एसी सबको दिया है। हाँ। भाई मैंने आपको बोला डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यार हमें देख के और लोग भी आ गए यहाँ पे, शिट और लोग भी आ गए। हाँ हमें देख के सब देख रहे हैं, कूल बंदे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहीं चलते हैं। अच्छा इसके बाद अपना घोड़ा खाई में गिरा देंगे। यार यहाँ पे पूरा घूम लिया, लेकिन मैंने ना एक भी वॉशरूम नहीं देखा, भागने मूतने कहाँ जाते होंगे लोग बाहर ओपन में, जैसे आपके घोड़े ना मूता रहा वैसे भी तो ओपन में आगा, पहले भी लोटा लेके जाते होंगे राजा राजा। टिश्यू पेपर होता था इनमें। तो पॉटी का करते होंगे राजा? ओपन ओपन में पॉटी? हाँ पागल हो क्या? अबे होना चाहिए यहाँ पे कमोड वगैरह, ऐसे पॉइंट तो है यार होना चाहिए। गाइस ये देखो ये है पूरा नक्शा घर का, ऐसा दिखता है घर पूरा, यहाँ से हमने एंटर किया यहीं पे खड़े एंट्री पे हम। तो राजा राजा वो तो राजा महाराजा हरी सिंह है, महारानी श्रीमती त्रिदेवी श्रीमती तारा देवी, तारा देवी नहीं महाराजा हरि सिंह। अच्छा सेम है दोनों, ये हरि सिंह थोड़े जवान जब थे, अभी तो बहुत ज़्यादा इंडियन लग रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जवान महाराजा हरि सिंह ये लग रहे हैं, महाराजा टाइप्स में थोड़ा। इसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा फाइट करी होगी शायद, तो मूछें रखनी पड़ी होंगी डराने के लिए, एक वो था ना रुतबा।